RBSE बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पालमाई नॉलेज ट्यू में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में एनुअल एग्जाम 2018 हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले आप यहाँ पर रोल नंबर 7 डिजिट वाला लिखें, यहाँ पर क्वेश्चन 26 और पेजेस हैं 7, सीरीज कोड नंबर है SS21 हिंदी साहित्य। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 हिंदी साहित्य, समय 3.25 घंटे और पूर्णांक 80। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, जिन प्रश्न में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। उत्तर यथासंभव निर्धारित शब्द सीमा में ही सुपाठ लिखें। स्टार्ट करते हैं खंड अ से, द्विवेदी युग की प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, उत्तर सीमा है 80 शब्द। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जीवनी एवं आत्मकथा विधा की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। छायावाद, उत्तर हिंदी काव्य परंपरा का विवेचन कीजिए 80 शब्दों में। खंड ब, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। क्लिष्टत्व दोष की परिभाषा लिखिए। हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 विभावना एवं विशेषोक्ति और अलंकार में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। खंड स, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या अधिकतम 60 शब्दों में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या अधिकतम 60 शब्दों में कीजिए, और ये दूसरा पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, सेनापति रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करने वाले श्रेष्ठ कवि हैं स्वदारण सिद्ध कीजिए 80 शब्दों में, इसमें ऑप्शन है इन दोनों प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 कुरुक्षेत्र कविता का मूल संदेश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 निम्नांकित पंक्ति का भावार्थ लिखिए 40 शब्दों में। देखते हैं खंड द, क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान संदर्भों में निर्वासित कहानी की प्रासंगिकता समझाइए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26, साहित्य में प्रचलित विभिन्न वाद के संदर्भ में राम कुमार वर्मा का क्या दृष्टिकोण था स्पष्ट कीजिए 60 शब्दों में। सो स्टूडेंट्स, ये था हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर एकदम ओरिजिनल और डिजिटल। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।